हाई वोल्टेज ट्विस्ट के साथ चल रही है रुद्र और प्रशा की कहानी, और आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रुद्राक्ष के साथ, जो कि लोकेशन पर पहुंच जाता है। बनी उससे कहता है कि मैंने ऑलरेडी इंक्वायरी कर ली है मिश्का के बारे में। रुद्र कहता है कि हो सकता है वो इंसान झूठ बोल रहा हो सकता है मिश्का अलर्ट हो गई हो, और अगर हम दोबारा पूछेंगे तो वो फिर से ऐसा कुछ कर सकती है, इसीलिए हमें कार में वेट करना चाहिए जब तक कि वो घर से बाहर नहीं निकलता। दूसरी तरफ सुलोचना प्रशा से कहेगी कि तुमने ही कुछ किया होगा, तभी रुद्राक्ष अपनी ही फंक्शन छोड़कर चला गया है। तुम प्लीज़ ये शादी मत रोको, इसे होने दो। प्रशा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये शादी हो रही है, और आप इस तरीके से मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। सुलोचना कहती है कि रुद्राक्ष सुबह से ही परेशान था। प्रशा कहती है कि हाँ, ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर गलत है, तभी रुद्राक्ष ऐसा कर रहा है, वरना वो किसी भी कीमत पर फंक्शन को छोड़कर नहीं जाता। तभी अरमान आता है और प्रशा को डांस के लिए वहाँ से ले जाता है। उसे बीच में जाएगा कि एक शख्स घर छोड़कर जा रहा होता है। रुद्राक्ष बंटी जैसे ही घर की तरफ मुड़ते हैं, देविका यहाँ पर वरिड होती है रुद्र के लिए। सुलोचना रुद्राक्ष को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है, और वो ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे कि वो रुद्राक्ष से बात कर रही है। वो इन्फॉर्म करती है देविका और उसकी फैमिली को कि अब तक उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए वो अभी नहीं आ पाया है, थोड़ी देर में वो अपने घर से निकल जाएगा। यहाँ पर सुलोचना कहती है प्रशा से कि रुद्राक्ष ने कॉल पिक नहीं किया है, और प्रशा को समझ आ जाता है कि ज़रूर बात को सीरियस है। प्रशा कहती है कि ऐसा लग रहा है रुद्राक्ष किसी परेशानी में है, एक काम करती हूँ मैं होटल फ़ोन करती हूँ, और जहाँ पर वो गया ही नहीं उसे ये पता चलता है। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि रुद्राक्ष ने उनसे झूठ बोला है, और इसलिए वो बंटी से पूछने की सोचती है। तभी वहाँ पर दिखाया जाएगा कि जैसे ही रुद्र और बंटी उस कमरे में पहुँच ही रहे होंगे, वो इंसान फिर से लौट आ जाता है, और रुद्राक्ष और बंटी उसे देखकर छुप जाते हैं। बंटी कहता है कि आखिर अब हम करेंगे क्या। इसी बीच में बंटी के पास प्रशा का कॉल आता है, वो रुद्र के बारे में पूछती है। बंटी उसे बताता है कि हाँ, रुद्राक्ष मेरे साथ ही है। सुलोचना पूछती है बंटी से आखिर रुद्राक्ष ने उसे झूठ क्यों बोला। रुद्राक्ष उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बंटी की हेल्प करने आया हूँ, वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंस गया है। कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। सुलोचना कहती है प्रशा से थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मुझे एटलीस्ट ये पता चल पाया कि रुद्र है कहाँ। प्रशा उसे अश्योर करती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं रुद्राक्ष और देविका की शादी के बीच में नहीं आऊँगी, ये शादी ज़रूर होगी क्योंकि देविका रुद्राक्ष को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, और मैं रुद्र को हर्ट नहीं कर सकती। अगले दिन का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर डिटेक्टिव अरमान के साथ मिलेगा और रिवील करेगा प्रशा का सरनेम, जिसे सुनकर अरमान सोचेगा कि कहीं ये वसुधा श्रीनिवासन की बेटी तो नहीं है। डिटेक्टिव जैसे ही प्रशा के एक्स हस्बैंड के बारे में बताने ही वाला होगा, तभी प्रशा आ जाएगी और उसे इंटरप्ट कर देगी और कहेगी कि अरमान तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरमान कहेगा कि ठीक है मैं आता हूँ, तुम जाओ मैं अपना ही काम फिनिश कर लूँ, लेकिन वो फाइल्स को ले लेती है और कहती है कि नहीं, जब तक देविका की शादी ख़त्म नहीं हो जाती तुम ये फाइल्स मुझसे नहीं लोगे। तभी वो डिटेक्टिव भी वहाँ से चला जाता है, और उधर वो जो इंसान होता है घर के बाहर रुद्र और बंटी जिसका वेट कर रहे होते हैं, वो भी घर छोड़कर चला जाता है। रुद्राक्ष कहता है बंटी से कि मैं जब तक सच का पता नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरमान सोचता है कि ठीक है, ये फाइल्स देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि आखिर प्रशा मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती। देविका यहाँ पर कहती है कि तुम मुझसे मेरी हेल्प करो ना भाभी वेन्यू सेलेक्ट करने में। प्रशा यहाँ पर फाइल्स को कबर्ड में रख देती है जल्दबाजी में। उधर रुद्राक्ष और बंटी जैसे ही घर में घुसते हैं विंडो के थ्रू, उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। रुद्राक्ष मिश्का को दूसरे घर में देखता है और ये देख कर शॉक्ड हो जाता है, और बंटी भी मिश्का को देख कर देखता रह जाता है। रुद्राक्ष कहता है कि देखा मैंने कहा था, उस दिन जो मैंने देखा था वो मिश्का ही थी, कोई और नहीं थी मार्केट में। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम नेक्स्ट रिपोर्ट में। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट रेगुलर बेसिस पर चाहिए आप, तो आप जल्दी से हमारा चैनल सीरियल से आप सब्सक्राइब कर लें।